Hello and welcome to the 17th episode of Mission Admission. I'm Aditya Yadav and you're watching The Social Indian. And I apologize for the video quality, but the quality of the content will be the same, will be high, will be rising high. And we will try to make sure that there is no video content in your video content, how is the video quality. Here we will talk about this video, exam date, ki, exam mein admit card, ki, exam admit card milne ke baad aapko kya kya karna hoga. उन चीजों को ध्यान में रखने की जो डूज एंड डोंट्स हैं एग्जाम के उनकी और एक मास्टर टिप की. तो इस वीडियो में ये वीडियो हम सिर्फ इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि आप लोगों के बहुत ज्यादा मात्रा में कमेंट आ रहे थे और लोगों में जो भ्रम फैला हुआ है कि वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियल डेट नहीं है जी एग्जाम कब होगा, एग्जाम हमारा शिफ्ट तो नहीं हो जाएगा, कहीं और कुछ तो नहीं हो जाएगा. क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जो 17 तारीख की लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट थी उसके बाद जब उसे 22 किया है लास्ट डेट को ही, तो लोगों में एक भ्रम की सिचुएशन फैली हुई है. और यहाँ पर आपको बहकाने वाले या फैलाने वाले, अफवाहें फैलाने वाले लोगों की कमी नहीं है. इसीलिए हम ये वीडियो बनाकर एक मैसेज देना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि एग्जाम जो है वो आपका 3 जुलाई को ही होने वाला है. 3 जुलाई को एग्जाम है, समय कम बच गया है, अपनी कमर कस लीजिए, शौक से उठा लीजिए, पजामे का नाड़ा टाइट कर लीजिए, लेकिन पढ़ना शुरू कर दीजिए. अब आपके पास लगभग 3 या 4 दिन बचे हैं, उनको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से शेड्यूल बनाइए. हमारी जल्द ही वीडियो भी आ रही है कि 3 दिन का जो स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए कल सुबह तक आपके पास आ जाएगी, उसके ऊपर फोकस करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा. जब तक 7 दिन वाला प्लान कंटिन्यू कीजिए, 3 दिन वाले में पावर फोकस करना है और ढंग से पढ़ना है, लगे रहना है. अभी मेरे को कुछ लोगों के ईमेल आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे, फेसबुक पे मैसेज आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे, एसएमएस आ रहे थे और ना जाने क्या क्या आ रहा था. और वो सब लोग कह रहे थे कि सर ये बताइए, हम लोग बहुत लो फील कर रहे हैं, हम लोग बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कैसा होगा, मॉक्स में हमारे नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, हम क्या करें सर क्या करें. तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, डरिए मत, रुकिए मत, थमिए मत, लगे रहिए, बढ़ते रहिए, करते रहिए. अब वही लाइन जो हमारी ट्रेडमार्क लाइन थी उसी से हम शुरू करना चाहेंगे. मुकाम बड़ा है, मुकाम बड़ा है, लक्ष्य को पाना है, दिल्ली विश्वविद्यालय में आना है. तो आना है तो सिर्फ आना है, उसके ऊपर छोड़ जाइए आप कुछ और भी बात है, कोई और भी बात है कि नहीं है. अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर एडमिट कार्ड की. एडमिट कार्ड का लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रम है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए. हर बार क्या होता है, यूनिवर्सिटी 3 या 4 दिन पहले निकालती है एग्जाम से एडमिट कार्ड. तो वो 3 या 4 दिन होने वाले हैं 28, 29 या 30 को. एडमिट कार्ड कभी भी आ सकते हैं, आपकी झोली में आकर गिर सकते हैं. लेकिन एडमिट कार्ड आ जाने से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा. आपका समस्याओं का समाधान होगा उस एडमिट कार्ड को पकड़कर, एग्जाम देकर, अच्छे मार्क्स लाकर, सिलेक्शन लेकर. तो आप एडमिट कार्ड की चिंता करना छोड़ दीजिए. मानता हूँ चिंता होती है, जिनको दूसरे सिटी में जाकर सेंटर है और दूसरी जगह जाकर एग्जाम देना है, थोड़ी परेशानी का सामना कर लीजिएगा. लेकिन अभी एडमिट कार्ड के बारे में सोचकर अपना समय खराब मत कीजिए, समय बहुत ज़्यादा कीमती है. और एडमिट कार्ड आने के बाद आपको क्या करना होगा, एडमिट कार्ड आने के बाद आपको उसे प्रिंट करना होगा. बहुत सिंपल सी बातें हैं, अपने साथ 1 या 2 पासपोर्ट फोटोज भी रख लीजिएगा, 2 मिनिमम रख लीजिएगा, जरूरत पड़ जाती है एक ब्लैक और एक ब्लू बॉल पेन रख लीजिएगा, क्या पता कौन से की जरूरत पड़ जाए. उसके बाद आप ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि आपके पास एक ना एक आपकी आईडी कार्ड हो, जो नेशनल आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, लाइसेंस हो, कुछ भी हो वो चलेगा वहाँ पर. अब आईडी कार्ड आप ज़रूर रख लीजिएगा क्योंकि उसके बिना एंट्री में दिक्कत आती है और ऑनलाइन सेंटर है, तो एंट्री अच्छे से हो यही हमारी कामना है. और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, डूज एंड डोंट्स को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आपको डिले करा देती हैं. और एग्ज़ाम में अगर आपकी डिले हो जाती है तो उन चीज़ों से नुकसान आपका ये होता है कि आगे जो चीज़ें आएंगी वो एग्जाम में आपका एंजाइटी बन जाएगी और 20-25 मिनट अगर आपके खराब हो जाता है तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आज की मास्टर टिप यही है, ये वीडियो मैं बहुत छोटी बना रहा हूँ, 4 मिनट के आसपास, 5.5 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं ये वीडियो. इस वीडियो में मास्टर टिप यही है कि जो बचा हुआ समय है उसको कैसे 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 प्लान करना है, वो है हमारी आज की मास्टर टिप. अब आपने जो भी पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है, उसको एक पेज पर लिख लीजिए, उस पेज को देखिए कि भाई मेरा क्या रहता है, क्या कर दिया है मैंने. उसमें आप टॉपिक्स लिख लीजिए और टिक मारते चलिए कि मैंने क्या क्या कर लिया, क्या क्या नहीं किया है. जो नहीं किया है और आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, तो उसे जरूर कर लीजिए, छोड़ के जाने का रिस्क मत लीजिए. और जो आपको लगता है कि मैंने कर लिया है और एक बार करना सफिशिएंट है, वो एक बार ये रहने दीजिए, जिसको रिवाइज करने की जरूरत है उसको रिवाइज करिए.
और मास्टर टिप है ये कि अब आपको इंपॉर्टेंट चीजों को ही पढ़ना है, फालतू चीजों को पढ़ना छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए कि कब से करंट अफेयर्स की है कब से नहीं करी है, ये मत सोचिए मैंने कितने सेक्शन पढ़े हैं कितने नहीं पढ़े हैं। अब आपको जो लगता है इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी चीज पर फोकस कीजिए, उसी चीज पर ध्यान दीजिए और उसी चीज पर लगे रहिए। अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए यहीं पर मैं खत्म करना चाहूंगा और अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगा आपको 3 दिन की स्ट्रेटेजी के साथ। भारत माता की जय, जय हिंद।